मानिक चौक पर हूँ, यहाँ पर कितना शोर है। गोगरा सैंडविच पक रहा है साहब, गोगरा सैंडविच है, अहमदाबाद में है, मानिक चौक में है, मेरे पूरे मुँह में बहुत सारा डनलप आ गया। आइसक्रीम सैंडविच बहुत जोरदार है अपने यहाँ, 47 बोले 47 ईयर्स लगा आइसक्रीम है इसके अंदर, आइसक्रीम रखेंगे। ये चीज अजीब चीज बनाई है किसी बनाने वाले ने, ये डोसे का ही बेटर होता है। दुकान के बाद चौक बना या चौक के बाद दुकान, गुरु माणिकनाथ समाधि स्थल। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू जमाना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। जमजम परफ्यूम्स। तो जब आप ऐसे बाजार में आ जाएं कि जहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हों, बहुत सारे लोग इस तरह से मेन्यू लेके साथ में खड़े हों, तो समझ लीजिए कि यही वो जगह है कि जहाँ पर आपको असली स्ट्रीट फूड मिलेगा, अपने असली जायके पर मिलेगा, टकसाली मिलेगा, लोकल मिलेगा, असली गुजराती मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं, नए नए नाम हैं, नए नए जायके हैं, नए नए रंगत है, नए नए प्रेजेंटेशन है। पूरा इलाका छानते हैं, एक एक करके दुकानों पर जाएंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बस इस मानिक चौक में आप साथ रहिएगा। अच्छा जी, सारे बोर्ड्स पे गुजराती में लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है? कृष्णा सैंडविच। इसकी लिपि लगभग हिंदी जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा नए नए कैरेक्टर्स होते हैं। क्या सैंडविच बिक रहा है आपके यहाँ, जरा देख सकते हैं? गोगरा सैंडविच कितने का एक देते हैं? 150 का। अच्छा, इसको सेकते हैं इसमें? क्या बात है यार, लगाओ जी लगाओ, एक लगा दो हमारे लिए। बिल्कुल बनाइए साहब। गोगरा 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 सैंडविच है भाई। मैं आपसे कह रहा था कि नए नए नाम होंगे, नए नए नई नई शक्लें, नए नए रंग होंगे आज के इस वीडियो में। अच्छा जी, ये है इनका सैंडविच मेकर, इसके अंदर ये सैंडविच गया, पूरा तैयार होके गया, और अब ये जाएगा स्टोव पर और यहाँ ये तैयार होगा बाकी का। अच्छा जी, गोगरा सैंडविच कृष्णा। ये क्या ले आए, पिज्जा भी बनाते हो? अरे यार बहुत बढ़िया, हमारी सारी नज़र इस सैंडविच पे है। ये बीच बीच में खोल कर देखते हैं। अच्छा जी, बनाओ साहब बनाओ। इसमें क्या क्या डालते हैं? प्याज आता है, कैप्सिकम आता है, प्याज कैप्सिकम चीज और बटर। प्याज कैप्सिकम चीज और बटर, और इनकी महारत, इनकी सिकाई, और उसके बाद हो जाता है ये तैयार। और ये अब इसको फाइनल टच दिए जा रहे हैं। क्या बात है यार, हो गया रेडी। तो ये गोगरा सैंडविच माणिक चौक की कोई पहली चीज हमने यहाँ से खरीदी, यहाँ सबसे ज्यादा सैंडविचेस चलते हैं। मैंने ये देखा कि यंगस्टर्स भी हैं। तो साहब इस सैंडविच की शुरुआत करते हैं, यहाँ का ये आज का हमारा पहला फूड है, यहाँ बहुत सारी नई यूनिक चीजें होंगी। मैंने कहा था कि नाम भी अलग होंगे और ये अभी पाव भाजी की तरफ भी जाएंगे। फिलहाल ये सैंडविच है, इसका पहला निवाला लेते हैं। दो चटनियाँ इन्होंने दी हैं, एक शायद टोमेटो केचप है, एक हरी चटनी है हरी मिर्चों वाली। बिस्मिल्लाह करते हैं बगैर किसी चटनी के, इससे इसके दिल की बात सुनते हैं, इसको आज़ादी देते हैं, चटनियों की कैद इसमें नहीं लगाते हैं, पूरी तरह से आज़ाद छोड़ते हैं, इससे सुनते हैं। ऐसा लगा जैसे पूरे मुँह में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत सारा डनलप आ गया हो, बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर, बटर वगैरह सब कुछ है। ए भाई साहब कितने का एक? 150 का है भाई, माल है, मगर चटनी के साथ देखते हैं क्या कहता है यार। ये बहुत अच्छा है, ये माणिक चौक की पहली आइटम और मेरे ख्याल में ये हिट आइटम है, ये बहुत ज़बरदस्त है यार।
यहाँ खानों की, इंसानों की, टेबल और चेयर्स की, सब चीजों की भीड़ है। जगह बहुत कम है, आपको जल्दी जल्दी खाना है और जगह खाली करनी है। ये सैंडविच मैं धीरे धीरे खत्म करूंगा। आगे मानिक चौक में हमारे लिए क्या है, दो मिनट के बाद देखते हैं। ये घुघरा क्या होता है? घुघरा ये पेप्सी का मोनियन चीज चटनी, इसको गुजराती हाँ घुघरा बोलते हैं। यहीं पे घुघरा बोलते हैं। 8 बजे से रात को 1:30 बजे तक। आइसक्रीम सैंडविच बहुत जोरदार है अपने यहाँ। कितने का होता है वो? 190 का है। वो भी दीजिए। मेरा नाम राय सिंह चुंडावत। सिंह साहब का आइसक्रीम सैंडविच बड़ा मशहूर है, तो जाते जाते इन्होंने याद दिलाया कि आइसक्रीम सैंडविच खा के जाओ। भाई साहब बनवाइए पाइनएपल आइसक्रीम सैंडविच खाएंगे। 190 का है। ये यहाँ की खूबसूरतियाँ हैं। तो भी सेक दो तुम्हारा बस चले तो। ये आइसक्रीम सैंडविच जो मैंने आज से पहले ना कभी देखा ना कभी कहीं सुना, ये सिंह साहब बनाते हैं। इन्हीं के पास आके खाना पड़ेगा आपको। कहाँ बैठ जाएं? बड़ी ही यूनिक चीज़ है भाई, बड़ी एकदम कंट्रास्टिंग है कि ये सैंडविच है और ठंडा है। ये एक बड़ी कंट्रास्टिंग चीज़ है। इसके अंदर इन्होंने आइसक्रीम डाली थी, यहाँ इन्होंने बहुत सारा चीज़ भरा है और ये पाइनएप्पल का पीस डाला है, नीचे आइसक्रीम डाली है, सबसे पहले बटर लगाया है, और ये सब चीज़ें मिलकर बन जाता है माणिक चौक का आइसक्रीम सैंडविच। हर सैंडविच और हर एक चीज़ की बात सुननी है, लेकिन ये थोड़ा सा बस में आना मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी खाना तो है ही। बिस्मिल्लाह करते हैं। इधर आइसक्रीम है, मेल्टिंग है। बिस्मिल्लाह। बहुत कुछ नया है। नया ये है कि बारिश भी हुई है, पसीने भी आ रहे हैं। माणिक चौक में आइसक्रीम सैंडविच भी खाया जा रहा है जो घुल भी रहा है। क्या बात है, पाइनएप्पल का पूरा मज़ा है। आइसक्रीम करिए, मैं ज़्यादा देर नहीं आपका साथ दे सकती। आपको यहाँ आना पड़ेगा अगर आपको ये ट्राई करना है। 190 रुपये यानी 190 रुपीज़ का ये है। 150 का हमने पहले मुमरा सैंडविच खाया था। ये आइसक्रीम घुघरी सैंडविच भाई, मैं एक आध घंटे में याद हो जाएगा इसका नाम। चलो बाहर ये सैंडविच फिनिश करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, कृष्णा सैंडविच से जैसे आप थोड़ा सा दो कदम आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा महालक्ष्मी पाव भाजी। खाना बहुत तेजी के साथ बिक रहा हो, मेरे ख्याल में वहाँ खाना जरूर खाना चाहिए। हर वक्त नया बन रहा होता है, तो जो लोगों की पसंद होती है वो कहीं ना कहीं काम करती है। कुछ ना कुछ खास बनाते हैं। वेज पुलाव बना रहे हो? पाव की भाजी। और ये पाव लाओ जी, लाओ दिखाओ। जगह और लाइट की थोड़ी सी कमी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे फिलहाल इसको सिर्फ देख कर ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा और देखते हैं और फिर उसको आगे चलते हैं। अच्छा जी, गली दर गली यहाँ थोड़े थोड़े रास्ते बना रखे हैं, और इतनी टेबल्स और इतनी चेयर्स हैं कि ये मेरे ख्याल में हज़ारों लोगों को अकोमोडेट कर देते होंगे रोज़। बालन डोसा, मतलब पाव भाजी, सैंडविचेस, डोसा, ये सब कुछ यहाँ बिक रहा है। अच्छा, इसके साथ खाने के लिए ये है साहब घोटाला। अब घोटाला के साथ खाने के लिए ये इन्होंने बनाया। देवांशु, किस टाइम तक चलती है तुम्हारी दुकानदारी? 8 बजे से लेकर के रात को 1:30 बजे से 2 बजे तक। कस्टमर आता है इतनी रात में भी? फुल कस्टमर आता है। अच्छा, ये डोसे बन रहे हैं, क्या बन रहा है? डोसा ही है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे यहाँ का? बालन डोसा। अच्छा जी भाई, घोटाला लगा देता हूँ। वही नीचे नहीं लगवा। ये जो घोटाला, ये क्या लगा रहे हैं? ये घोटाला डोसा लग रहा है यार। ये डोसे का ही बैटर होता है। हाँ,
भाई साहब ये घोटाला डोसा बना रहे हो? घोटाला चार कर दो। दिन भी नहीं। कुल्फी की जगह रखी? बिल्कुल है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो सब चीज़ की जगह है, हमारा कैमरा बहुत बड़ा है, सब चीज़ की जगह है इसमें, आप चिंता ही मत करिए। तो आपके पास लास्ट में आता हूँ, कौन सी आपकी? हमारा मटका कुल्फी फेमस है। नहीं दुकान मानिक पिज्जा और मानिक सैंडविच के नाम से, उनके मालिक का मैं वेट कर रहा था, इम्तियाज भाई मेरे साथ खड़े, उनसे पूछते हैं कि दुकान के बाद चौक बना या चौक के बाद दुकान, बात करते हैं। मैं कहता हूं ये मालिक चौक जो है ना, हाँ, ये ऐतिहासिक चौक है, मेरी लेफ्ट राइट साइड पे। तो देखिए आप, गुरु मानिकनाथ समाधि स्थल, मानिकनाथ बाबा का समाधि स्थल है। ओके, तो यहाँ उनकी समाधि है? समाधि है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? 47 इयर्स है। 47 इयर्स से है। उस टाइम भी ऐसी रौनक होती थी यहाँ? उस टाइम पब्लिक कम थी, दिन में सोना बिकता है, रात में खाने का सोना बिकता है, ये वो सोना है जो यहाँ आने वाले को आधी रात तक सोने नहीं देता। जो अच्छे आइटम होगी ना, हाँ हाँ, तो उसको कहेंगे घुघरा जेऊ, घुघरा घुघरा जेऊ है, यानी कि अच्छा है। हाँ, तो भाई ये बहुत देर से ये घुघरा मुझे लफ्ज याद नहीं हो रहा था, मैंने कहा इनसे पूछ लूँ। घुघरा कहते हैं अच्छे को, सब बनाते हैं हम, क्योंकि घुघरा सैंडविच खा कर आए, इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, इनके सैंडविचेस को पैदा होते देखेंगे और आगे चलेंगे। इजाज़त है, वहाँ जाइए जाइए। थैंक यू सो मच। ये बोला दो चार सैंडविच बना बना, एक चॉकलेट बना, एक पाइनएप्पल बना। ईश्वर भाई तुम क्यों हंस रहे हो भाई, सब ठीक है? तो ये जो माहौल मिलता है ऐसी लोकल जगहों पे, वो आपको किसी 5 स्टार में नहीं मिलेगा, कितनी भी बारिश हो जाए, इन्होंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि सब एक दूसरे के लिए कितना कोऑपरेट करते हैं। भाई साहब आपका नाम बताते जाइए। हिमेश। हिमेश भाई क्या खाने आए हो? मैं यहाँ पे आया हूँ आइसक्रीम सैंडविच। आइसक्रीम का भी सैंडविच हो सकता है? यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ होता है। ये थैंक यू सो मच। तो लोकलाइट है, और जो चीज़ लोकलाइट को पसंद हो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए एक बार। बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करता हूँ। खिड़कियों से दूर से ही तुझको देखता था, तेरे बारे खाली समय में सोचता था, अगर तो दिल मेरा बिखे। तो ये जामुन का शॉट है, इसके ऊपर इन्होंने लेमन लगाया है, डाला नहीं है इसके अंदर, इसकी किनारियों पे लगाया है, साथ में नमक लगाया है, उसके बाद ही हमें पकड़ा दिया है। सिर्फ जामुन है घुटे हुए, तरीका है यार, ये कमाल है, ये कमाल है। ऐसा लग रहा है कि एक पूरा मट्टी का अफोरा भर के घुटे हुए जामुन मैंने ढेर सारे गुठलियाँ निकाल के खा लिए। ये तो बहुत जबरदस्त है। 70 रुपीज़ का है ये? सिंगल 40 का है 270 के हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। क्या नाम है आपका? चंदू नाम है सर। चंदू क्या कमाल कर रहे हो यार, ये तो बहुत जबरदस्त है। कहाँ के हो? हम राजस्थान के सर। राजस्थान के हो? ये कब सीखा, कब से बनाने लगे? 5-6 साल हो गया यहीं पे। यहीं पे। ये बहुत अच्छा भाई, आपको जामुन 12 महीने मिलते रहते हैं? फ्रोजन करते हैं, हमारा खुद का कोल्ड। जब ये चीजें होती है ना तो जायका आपके हाथों में आ जाता है, बहुत जबरदस्त है। इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। जय भाई की बस्ती राम वाली मलाई रबड़ी कुल्फी। मलाई रबड़ी कुल्फी। मानिक चौक कितना पुराना है? मेरी तो 1947 से चल रही है, उसके भी 2-3 साल और पुराना है, मतलब ब्रिटिश टाइम से चल रहा है। लालटेन जिसे बोलते हैं वो हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि ये चौथी पीढ़ी है यहाँ पर, जब पीढ़ियाँ बदले किसी खाने पे तो वो खाना खूब से खूब कर होता चला जाता है। इनकी कुल्फी ट्राई करो, खिलाइए साहब। लिटिल बिट केसर का टेस्ट डाल रहा हूँ। अच्छा, रबड़ी अपने इस पिटारे में से निकाली है इन्होंने और इसके ऊपर रबड़ी डाल दी है। रबड़ी के नीचे से जब केसर का रंग निकलेगा, हाँ जी, तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। नहीं बस्ती राम जी के यहाँ रबड़ी कुल्फी मलाई केसर बहुत कुछ है इसके अंदर, साथ में बारिश तो है ही। अभी मेरे मुँह में सिर्फ रबड़ी आई है, कुल्फी के साथ में खाई बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूब आई है। अभी देखते हैं इसको, थोड़ा सा तोड़ते हैं इस कुल्फी को और हल्का हल्का केसर का टेस्ट भी आएगा। ये कमाल है, मतलब यहाँ सारे खाने खाने के बाद जब आप आखिर में बस्ती राम जी के यहाँ की ये रबड़ी खाएंगे तो जितने मसाले आपने खाए होंगे वो सारे ठंडे कर देगी और एक सुकून आपको देगी। 150 रुपीज़ का एक प्लेट है।
ये कमाल है, ये खालिस है, ये प्योर है, ये बहुत खूब है, ये पूरी तरह जड़लब है, ये मानिक चौक है, ये अहमदाबाद है, ये गुजरात है, यहाँ की मोहब्बत अलग होंगी। आपको आता है ये बनाना? अरे क्यों नहीं आता है सर, बस्तीराम में सबसे पहले सेठ को सबसे पहले यही सिखाया जाता है, उसके बाद ही पीढ़ी में बैठाया जाता है। ऐसा है? हाँ जी। क्या बात है, रबड़ी के शौकीन बहुत आते हैं। सही, ठीक है। अब ये घोटाला ग्लास बन रहा है? हाँ जी सर। रबड़ी डाल दिया आपने, अब क्या क्या पड़ेगा इसमें? अरे सर आने लो। अच्छा ये वही, ये मेरा रोस्ट बादाम कुल्फी है। अच्छा ये अलग है जो हमने खाई? हाँ वो अलग है। ओके, दिखने में मेरे पास 21 फ्लेवर्स है सर कुल्फी में। अरे वाह। अब इसमें राजभोग का, काजू किशमिश वाला और मलाई बादाम का, ये आइसक्रीम है, तीनों जाएंगे उसके अंदर। लिटिल बिट केसर टेस्ट दे रहा हूँ और इसमें रोज भी जा रहा है। नीचे भी रबड़ी ऊपर भी रबड़ी? अरे सर मैंने कहा ना, गुजरात में रबड़ी बिना मज़ा ही नहीं आता, रबड़ी लवर्स बहुत होते हैं और चॉकलेट ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हर चीज़ का यूज़ करता हूँ वो भी। देखिए आप लागत लगाएंगे तो जायका आएगा। ये चॉकलेट नट्स हो गए, ये मेरा घोटाला ग्लास है। ये बड़ा घोटाला है, इसमें क्या क्या इन्होंने डाला है, एक नीचे तक का चम्मच डालकर कुछ निकालते हैं इसमें से खजाना। एक मतलब अगर नीचे चम्मच डाल के और आप ऊपर खींचते हैं तो कई रंग साथ में चम्मच के आ रहे हैं। तो अब ये एक भरपूर सा इसका स्पून लेते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। जब आप आइसक्रीम डालेंगे, नीचे रबड़ी होगी, रबड़ी के ऊपर आइसक्रीम होगी, उसके ऊपर दो तीन सिरप होंगे, उसके बाद फिर से रबड़ी होगी, उसके ऊपर से फिर चॉकलेट डालेंगे, उसके बाद आखिर में यही कहा जाएगा कि भाई अब बहस दीजिए, अब हमें यहाँ से जाने दीजिए। ये एक चम्मच और लेते हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, हम ही हार जाते हैं, बारिश तो हार नहीं रही, यहाँ से चलते हैं। खुशबुओं से महक गया है मेरा पूरा सांस, टेस्ट भी आ रहे हैं, खुशबू भी आ रही है, कई तरह के मीठे आ रहे हैं, हर मीठे का अलग जायका है। फिलहाल मुझे यानी मोहम्मद याहिया को मानिक चौक से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।